गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में फिर एक बार तेज इजाफा देखने को मिला है। बुधवार को गाजीपुर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामले देखने को मिले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार नए इलाके से भी मरीज देखने को मिले हैं। बुधवार को गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले देखने को मिले हैं। आइए आपको विस्तार से इन मामलों की जानकारी दें। गाजीपुर के भावरकोल ब्लॉक के दो अलग अलग गांवों में एक एक मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि ये इन गांवों में कोरोना संक्रमण के पहले मामले हैं। भावरकोल ब्लॉक के खरडीहा और गोड़ी खास गांव में कोरोना संक्रमण का एक एक मरीज मिला है। खरडीहा के मरीज का जहां रैंडम सैंपल लिया गया था, वहीं गोड़ी खास के मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। इसी तरह मोहम्मदाबाद में वार्ड 1 यूसुफपुर से एक साथ कोरोना संक्रमण के 6 नए मरीज मिले हैं। ये सभी असिम्प्टोमैटिक थे, यानी इनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखे थे। इसके अलावा हाटा से एक और मोहम्मदाबाद से कोरोना संक्रमण के 2 नए मरीज मिले हैं। इसी तरह एक मरीज औड़िहार के रहने वाले हैं। इससे पहले मंगलवार रात को गाजीपुर शहर के न्यू आम घाट निवासी नगर पालिका के एक ठेकेदार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज मिले कुल मरीजों में गाजीपुर में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 347 हो गई है। हालांकि इनमें से 289 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो आज के नए मरीजों को जोड़ने के बाद गाजीपुर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 55 हो गई है। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।